लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बेगम जरा सुनिए। हाँ जी। इधर आइए। ये क्या है? आपके लिए ईद का जोड़ा लाया हूँ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही हैं आप। चलिए। अरे भाई रहने दीजिए ना। रहने दीजिए ना अम्मी जान, जब आप दुल्हन बनी थी तब हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हम थे ही नहीं। आज देखने दीजिए ना। एक लगाओ। अरे अरे बहन काय को मारती, ठीक तो कह रहा है मेरा बहन। जहाँ फिर। अरे मत भाई, नमस्ते, आइए आइए। राम राम असलम भाव। वाकई बहन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी भी तो बहुत खूबसूरत है। अरे वही तो कह रहा मैं। अब जैसे ये मेरा बेटा, तुरंत शकल रंग बस सब लक्ष्मी पर गए। और आओ जाना, कैसे होगा? मेरा रंग तो भगवान ने इसके ये सर्वे पर ही दिया। अगर गलती थी मेरा रंग इस पर आ जाता तो नजर बचाने के लिए सुबह टिक्का लगाना पड़ता। पाँव में काला निशान बहुत अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है? चक्कर उसके पाँव में, मेरे को इधर उधर घुमा रहा है वो। आज का दिन याद रहा बहन जी। लो, इतना मुबारक दिन कोई भूल सकता है? मारुति भाई, आजकल बम्बई में हो क्या? हाँ फिर बम्बई में अपना बहुत वोट है। अपन स्टेशन पे नहीं जाते तो गाड़ी नहीं छूटती। तुझे बवाल नहीं दिख रहा? आप भी लीजिए भाई साहब। भाई मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। अब्बा अब्बा मैं भी चलूंगा। हाँ हाँ मियाँ, खाओ जल्दी से। आटा बाटा चला नहीं लपे तुम। लेकिन आपने साथ ले जाने का वादा किया था। ले जाएंगे आपको, जरूर ले जाएंगे। हम भी चलते हैं, इसी का टाइम हुआ है। भाई साहब आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अरे बहन जी इसको कोल्हापुर को पहुँचा रहे हैं, मुझे बम्बई जाना है। भाई आइए, मैं आपको बस के अड्डे में छोड़ देता हूँ। खुदा हाफिज़ बेगम। खुदा हाफिज़। आओ बेटे। बहन जी चलता हूँ। वेलकम सर। 10 साल बाद की रिहाई मुबारक हो सर। एक हार, दूसरा हार कहाँ है? दूसरा वही जम सलमा को पहना कर उसे बेगम बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्या हुआ, तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? बहुत देर होगी सर। जी वो सलमा। क्या वो सलमा को? बाप के जेल जाने के बाद उसने शादी कर ली। नहीं, सलमा की शादी नहीं हो सकती। सलमा अगर किसी और की हो गई तो जफर की शिकस्त होगी, और जफर ने जिंदगी में शिकस्त खाना सिखाई नहीं। पहचाना नहीं? जफर तुम? मैं जेल क्या चला गया तुम समझे कि कभी लौट कर ही वापस नहीं आऊंगा? और तुमने अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया? जेल जाते ही तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुम खूनी हो, तुमने कई लोगों के लाखों रुपए हड़प किए। तो क्या हुआ, मैं वो सारी दौलत तुम्हारी बेटी के लिए इकट्ठा कर रहा था और तुमने अपनी बेटी का हाथ एक फकीर के हाथ में दे दिया? सुन बुड्ढे, अभी मौका है, अपनी बेटी का तलाक करा और उसका निकाह मेरे साथ करवा दे। निकाह? हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी को मौत के हवाले कर सकता हूँ, मगर तुझ जैसे शैतान के हवाले हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। नहीं, मैं तेरे दामाद को जान से मार डालूंगा और सलमा को जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। हट जा बुड्ढे। दफर दफर, ये गुनाह अजीम है। अरे खुदा से डर। मैं खुद अपना खुदा हूं, मैं किसी खुदा से नहीं डरता। अल्लाह रखा, तुम बरसों हमारे साथ रहे हो, अब हमारे खानदान की हिफाजत तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे हाथ है। लो इस चिट्ठी को सलमा बेटी तक पहुंचा देना। जा, उठ जा।
यहाँ क्यों आए हो? 10 साल पहले जिस सलमा से मेरी शादी तय हुई थी उसे अपने साथ ले जाने आया। शर्म करो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं दुनिया के किसी रस्म रिवाज को नहीं मानता। दुनिया जानती है जफर जिस चीज को हासिल करना चाहता है उसे हासिल करके रहता है, क्योंकि जफर की फितरत में जिद का जहर भरा हुआ है। और कितने दरवाजे बंद करोगी सलमा? मैं तुम तक पहुंचने के लिए दुनिया का हर दरवाजा तोड़ डालूंगा। खुदा से डरो, उसके कहर से डरो। मैं ना किसी खुदा को मानता हूँ, उसके कहर को जानता हूँ। बल्कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं खुद उसके लिए कहर बन जाता हूँ। रुक जाओ जफर, वरना इस आग को तुम्हारे लिए दोजख की आग बना दूंगी। बेवकूफ मत बन, अरे कुटिया सा मकान देख, अपनी हालत देख, मेरे साथ चल। महलों में रखूंगा, हीरे जवाहरात में नहला दूंगा तुझे। एक हिंदुस्तानी पाक दामन औरत के लिए उसके शौहर की कुटिया महलों से ज्यादा कीमत रखती है। उसका पहनाया हुआ ये मामूली सा दुपट्टा तुम्हारे रेशमी पोशाक से कई गुना इज्जतदार है, और मेरे शौहर के पैरों के धूल के ऊपर तुम्हारे हीरे जवाहरात में निसार करके फेंक सकती हूँ। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारे शौहर को मार डालूं तो? तो उस दिन इस घर से 2 जनाजे उठेंगे, एक उनका दूसरा सलमा का। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, उलट धक्के मार मार के तुम्हें बाहर निकाल देंगे। निकल जाओ यहाँ से। अच्छी बात, आज तो मैं इस मकान और इस मोहल्ले से जा रहा हूँ, लेकिन इस शहर से उसी रोज जाऊंगा जिस रोज सलमा मेरे साथ होगी। अल्लाह रखा, क्या बात है? Thank you.
गाड़ा क्यों रोक दिया तूने? देखते नहीं जना पानी का कितना जोर है, पानी पुल पे आ चुका है, ऐसे टाइम पे जाना बड़ा डेंजर है। तो ये उड़ा सांग तो ना कुछ आविया ना काय तुम ऐसा करता? तू कच्चा ना घाबर तू तो काय समझ? अरे बस छोड़ने का टाइम हो गया, ये 20 रुपए ले जा दाल। अरे तू छोड़ जा 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 साहब, आप लोग की इच्छा है आदत है, चल 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 बस और कुछ नहीं। तेरा भी सब कुछ उजड़ गया, मेरा भी, तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरा। चल। इस हादसे ने इनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है, ये बोलने की शक्ति खो चुकी है। तो क्या जिंदगी में कभी नहीं बोल सकेंगी? इनका कोई बच्चा था? हाँ था तो, लेकिन उसका मिलना बहुत जरूरी है, जब तक वो नहीं मिलता हम इनका इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब पानी में इतने लोग मर गए, वहाँ बच्चा। आई एम सॉरी मिस्टर, आपको इनकी जान बचानी है तो बच्चे को गोद में डालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आया। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात तो, इसमें परेशान होने की क्या बात है, इन्हें बच्चा चाहिए ना, मिल जाएगा। आज की ताजा तरीन खबरें, आज की ताजा तरीन खबरें, अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बना लिया, हवाई जहाज वालों के साथ दिन की हड़ताल, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की। रहीम चाचा एक ही दिन का तो सफर है और पहुंचते हैं। चाचा वालेकुम सलाम बेटे, आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं? नहीं बेटे इकबाल, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बना लिया, आज की। लीजिए साहब, साहब आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं? नहीं बे साहब, छुट्टे, आप डिब्बे में बैठिए, मैं अभी ले आता हूँ। बॉब, बंबई की तरह यहाँ भी मैंने तुम्हारे नाम पर चिटफंड का ऑफिस खोल दिया है। ओके। लेकिन एक बात ख्याल रहे कि कहीं भी मेरा नाम आने ना पाए, अंडरस्टैंड? चलें। साहब, साहब, माँ जी आप अजमेर शरीफ जा रही हैं? अगर जा रही हैं तो मेरी तरफ से 125 रुपए की चादर गरीब नवाज पे चढ़ा देना और दुआ करना कि मुझे मेरी बिछड़ी हुई माँ मिल जाए। अम्मी, अम्मी आप कहाँ चली गई थी? हम सब बिछड़ गए, ये मेरी अम्मी है, मैं इनका बेटा इकबाल हूँ। क्यों तुमने, अम्मी, अम्मी, नर्स बच्चा लाओ। यस सर। मैडम आपका बेटा। क्या बात है? अच्छा हुआ सलमा की याददाश्त चली गई, वरना आज उसका ये असली बेटा उसे ले ही गया था। इसे खत्म करवा दे। किले में। अम्मी। चल। किले को खत्म करना। यहाँ पे। अभी मर जाओ, अभी मर जाओ, मैं आपका बेटा।
मिलेगा तुझे। हम दोनों मिलकर दुनिया का बोझ उठाएंगे। अल्लाह रखा, आज से कुलियों की हिफाजत करना हम दोनों का फर्ज है।